ये बदला है ऑपरेशन ब्लू स्टार का, ये बदला लिया है बब्बर खालसा गैंग ने। 1985 का वो क्रैश जिसे आज भी लोग भूल नहीं सके, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए, वो क्रैश जिसने लोगों को अंतर आत्मा से झंझोर कर रख दिया। इट वॉज बोइंग 747 वाइड बॉडी जम्बो जेट क्रिस्टिन एम्परर कनिष्क। 14 जुलाई को कनाडा में इस क्रैश में शामिल मुख्य आरोपी रिपु दमन सिंह मलिक को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। कैसे रिपु दमन सिंह मलिक इस क्रैश में शामिल था, कैसे क्रैश को प्लान किया गया और कैसे इस क्रैश से रिपु दमन मलिक रिलेटेड है, वो सारी बातें जो आपको जानने की जरूरत है आज बात उसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। तो बात 23 जुलाई 1985 की है, जब एयर इंडिया फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल से लंदन उड़ रही थी, जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली थी। फ्लाइट का नाम था क्रिस्टिन एम्परर कनिष्क, जिसमें कुछ 329 लोग सवार थे, 268 कनेडियन सिटीजन्स, 27 ब्रिटेन्स एंड 24 इंडियंस। और ये ब्लास्ट तब हुआ जब वो आयरिश एयर स्पेस अटलांटिक ओशन को पार कर रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बम को कार्गो में किसी सूटकेस में रखा गया था। अब इस क्रैश से संबंधित आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। कनिष्क के गिरने के करीब एक घंटे पहले टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर एक बम फटा। बम को एक बैग में रखा गया था, जिसे वैंकूवर में एक कनेडियन पैसिफिक एयरलाइन फ्लाइट की उड़ान में चेक किया गया था और इसे बैंकॉक की ओर भेजने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 301 में रखना था। ये बम उस समय फट गया जब इसे नारता एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर किया जा रहा था। इस ब्लास्ट में जापानीज बैगेज हैंडलर मारे गए थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये दोनों जो बम विस्फोट हुए हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और तभी इस ब्लास्ट को कनिष्क केस के नाम से बुलाया जाने लगा। कनिष्क केस एक बदला है ऑपरेशन ब्लू स्टार का। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन आर्मी के तरफ से कंडक्ट किया हुआ एक ऑपरेशन था, जो कि 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में कंडक्ट किया था, जिसमें खालिस्तान समर्थक जरनेल सिंह भिंडरवाला को पकड़ने के लिए भेजा गया था। जब इस फ्लाइट एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तो तीन नाम सबसे आगे निकल कर के सामने आ रहे थे। पहला नाम था रिपु दमन सिंह मलिक, दूसरा नाम था इंद्रजीत सिंह रियात और तीसरा नाम अजैब सिंह बगरी, जो कि कैनेडियन सिटीजन्स बताए जा रहे थे। मलिक की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। मलिक 1972 में ही कनाडा चला आया था, वहां उसने कैब चलाने से शुरुआत की और धीरे धीरे करके मलिक एक बिजनेसमैन बन गया और सिख कम्युनिटी का एक प्रोमिनेंट बंदा भी बन गया था। उसकी तकदीर ऐसी चमकी कि वो 16,000 मेंबर वाले वैंकूवर में बेस्ड खालसा क्रेडिट यूनियन यानी KCU का प्रेसिडेंट बन गया था, विथ एसेट्स वर्थ 110 मिलियन डॉलर। और तो और, सतनाम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया नाम के खालसा स्कूल का भी मलिक प्रेसिडेंट बन चुका था। कहा जाता है कि मलिक बब्बर खालसा के साथ काफी करीब से काम करने लगा था और तलविंदर सिंह परमार, जो कि कनिष्क बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसका भी काफी ज्यादा करीबी था। उसके बाद अक्टूबर 2000 में मलिक और बगरी को वैंकूवर से गिरफ्तार कर लिया गया और 1988 में रियात को पहले ही पकड़ लिया गया था। रियात पेशे से एक ऑटो मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन था। रियात के ऊपर बम बनाने, सप्लाई करने और प्लांट करने का आरोप था। 1991 में रियात गॉट कन्विक्टेड और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। आगे जाकर के कनिष्क बॉम्बिंग केस में रियात को प्रोसिक्यूशन विटनेस बना लिया गया और मलिक और बगरी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था नारिता ब्लास्ट केस के लिए। लेकिन कहानी में यहाँ पर अब आ जाएगा एक थोड़ा सा ट्विस्ट, जब बयान से रियात पलट गया। रियात ने कहा कि उसे उस दिन की डिटेल्स ठीक से याद नहीं और रियात के झूठे बयान देने के कारण साल 2010 में रियात को फिर से 9 साल की सजा भी मिली और इसी झूठे बयान के कारण मलिक और बगरी को अक्विंटल मिली। इस बात को कई साल हो गए और लोगों के मन में अभी भी ये बहस छिड़ी रहती है कि रियात का जो दिया हुआ बयान था वो झूठा था या सच्चा। अगर उस क्रैश में मारे गए लोगों के परिजनों की माने तो उनके अनुसार रियात ने झूठा बयान दिया था। ऐसे ही तमाम बड़े विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।